तेलंगाना की सत्ता से बीआरएस को बाहर करने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी एक्शन में हैं। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही रेवंत रेड्डी ने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की द्वारा दी गई 6 गारंटी और दिव्यांग महिलाओं को नौकरी देने के वादे को अमली जामा पहनाने की मंजूरी दे दी है। वहीं तेलंगाना की जनता से सीधे जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने आज प्रजा दरबार भी लगाया है। तो कैसे तेलंगाना से रेवंत देश में कांग्रेस को मजबूत कर रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। तेलंगाना की मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही एक्शन में है। उन्होंने गुरुवार को शपथ समारोह के तुरंत बाद सीएम आवास और कार्यालय में लगे लोहे के बैरियर और गेट को हटवाने का काम शुरू करवाया था। वहीं आज जनता दरबार लगाकर लोगों की परेशानियों को सुना। इस दौरान उन्होंने सीएम आवास पर आए फरियादियों से आवेदन प्राप्त किए। इसके अलावा रेवंत ने प्रगति भवन का नाम बदलकर ज्योतिराव फुले प्रजा भवन कर दिया है, जिससे एक बड़ा संदेश भी रेवंत ने दिया है कि कांग्रेस सत्ता में आने के बाद सिर्फ जनता के लिए काम करती है। आपको बता दें कि तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी सुबह 10 बजे के करीब प्रजा भवन पहुंचे और व्यक्तिगत रूप से लोगों की शिकायतें सुनी। सीएम से मिलने वालों में व्हील चेयर पर बैठे कुछ मरीज और दिव्यांग भी शामिल थे। जनता दरबार में पहुंचे फरियादियों ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए यह बताया कि उन्हें खुशी है कि लंबे समय के बाद कोई मुख्यमंत्री जनता की शिकायतें सुन रहा है। उन्होंने संयुक्त आंध्र प्रदेश के दिवंगत मुख्यमंत्री वाईएस राजशेखर रेड्डी का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि जैसे वाईएसआर का पुनर्जन्म हो गया है। वहीं पीएम मोदी ने शपथ लेने पर रेड्डी को बधाई दी और उन्हें राज्य की प्रगति और नागरिकों के कल्याण के लिए हर संभव समर्थन का आश्वासन भी दिया। पीएम मोदी के इस पोस्ट का जवाब देते हुए रेवंत रेड्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर लिखा कि हमें उम्मीद है कि बीजेपी के नेतृत्व वाला केंद्र उनकी सरकार को जरूरी समर्थन और मदद देगा। धन्यवाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तेलंगाना राज्य के विकास के लिए सहयोगी की उम्मीद है। अब रेवंत रेड्डी के इस एक्शन से साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस दक्षिण में और भी ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।